क्या आप मेरे साथ दुनिया घूमने के लिए रेडी है? तो चलो आज आपको लेके चलते हैं मेक्सिको, लेकिन घर बैठे बैठे। टुडे आई एम मेकिंग गुआकामोले। गुआकामोले इज एन एवोकाडो बेस्ड डिप विच कैन बी यूज्ड इन सैलड्स एज अ डिप एंड इज पॉपुलर थ्रू आउट द ग्लोब। वेरी इजी टू मेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद गुआकामोले। ये जो एवोकाडोज है ये आता है पेरू से ओरिजिनली, लेकिन अभी वर्ल्ड ओवर मिलता है, इवन यू गेट इट इन इंडिया, बट द वेराइटी इज डिफरेंट। द पेरू एवोकाडो हैज गॉट रिंकल स्किन, शुरू में तो एकदम ग्रीन, फिर बाद में जब पक जाता है तब ये ब्राउन होने को लगता है। एवोकाडो खरीदने का एक तरीका है, आप उसको प्रेस करके मालूम नहीं पड़ेगा ये पका है कि नहीं। ऊपर जो है हिस्सा, इसको थोड़ा सा दबाओ तो थोड़ा सॉफ्ट लगे, मतलब ये पक गया है। मेरा दोनों एवोकाडो पका हुआ है, मालूम पड़ा मुझे। एवोकाडो को कट करना है, कैसे मैं बताती हूँ। एवोकाडो ले लीजिए और छुरी से इसको ऐसे घुमाते जाइए, फुल कट हो जाए तो ट्विस्ट। बोला, ये जो एवोकाडो का सीड है, अ मेक्सिकन फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीड अगर इसमें लगा हुआ है तो ये डिसकलर नहीं होगा। कितना अच्छा टिप है ना। नहीं तो आपको इसमें लाइम जूस लगा लेना है, क्योंकि एवोकाडो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। एक स्पून से आप स्कूप आउट कर सकते हो, द इजी वे। कितना आसानी से निकल गया। कट करने के बाद सबसे पहले मुझे लाइम जूस डालना है, क्योंकि एवोकाडो नहीं तो काला पड़ जाएगा। इसको थोड़ा रफ चॉप दे देते हैं इधर ही ऐसे ही। ये बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है, इवनली कट करने का जरूरत नहीं है। गुआकामोले का फाइनल स्टेप्स करते हैं। पहले ये एवोकाडो में जाएगा अनियंस, सम चॉप टमेटोज एंड ग्रीन चिलीज, अभी गार्लिक। अब बारी है सॉल्ट एंड पेपर, बस अभी डाल देना है बहुत सारा धनिया। इसको कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। कितना झटपट बन गया ना ये रेसिपी, बहुत इजी है। ये बन तो गया इतना जल्दी, पर इसे खाए कैसे, तो आपको बताती हूँ कुछ सर्विंग सजेशंस। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी रह गया, क्या? टेस्ट करना। क्यू रिका कोमिडा, क्या बोला मैंने? स्पैनिश में इट मीन्स इट्स डिलिशियस। तो बताओ फिर, है ना एकदम सही, और क्या?